गाइस हम ये नेहरू पार्क है ना, तो गाइस हम नेहरू पार्क आ गए हैं जो अभी आई वुड से मतलब डल्ले के बीच में है, राइट। ये नेहरू पार्क जेनुइनली सिंह, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, तो शो ऑफ वो ऑफ नहीं करूंगा मैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सर्वर मजा आ रहा है? यहाँ पहली बार भी आ चुके हो? नहीं 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 भाई, फर्स्ट टाइम आया हूँ। थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। गाइस मोटर बाइक्स भी है, तो आई डोंट नो इसका क्या सीन रहते होंगे, क्या चार्जेस रहते होंगे। चलो सर भाई नीचे देखना, नीचे लगेगी नहीं तो। अबे जल्दी चल, कल सुबह पनवेल निकलना है भाई। हाँ जी बेटा, किसका? तो गाइस यहाँ पे पता ही नहीं दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे मेरे को सर्वर कह रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो NEH ओके नेहरू, ओके 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 ओके, यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है नेहरू पार्क, NEHRUPARK। तो ठीक है गाइस, दिस इज द नेहरू पार्क रिटर्न, तो अच्छा है, यही चीज तो करना है ना। तो जो है तो इस बात पे जो है हम सर्वर को थोड़ी बहुत शाबाशी देते हैं कि इन्होंने सही चीज जो है रिकॉग्नाइज करी है, मेरा ध्यान उस पर नहीं गया, तो थैंक यू सर्वर उस चीज के लिए। तो अभी देखते क्या होता है। फूल तोड़ सकते हैं बट सही चीज नहीं है। तो यहां से क्या चीज है भाई? ओके यहाँ पे वॉशरूम है, ओके तो ठीक है चलो भाई। तो गाइज 2:14 पे हमारी राइड शुरू हो गई थी, अभी 3:14 होने वाले है, तो करंटली वी आर इन नेहरू पार्क, ठीक है। तो अभी हमारे पास पूरा एक घंटा है, तो पूरा यूटिलाइज करेंगे एक घंटा। तो किस साइड से जाना है? यहाँ से क्रॉस करना है ना, ठीक है। तो सर्वर हमें रास्ता दिखा रहा है, सर्वर जो है थोड़ा बहुत कॉन्शियस होने लगा है, प्रेजेंट माइंड सेट में आने लगा है ना सर्वर, सही में। चलो जी अच्छी बात है। तो सर्वर यहाँ पे रस्सी खुला रहा है, तो सर्वर सीख गया है, राइट। बैठ जा पहले यहीं पे, पहले इसको बीच में आने दे। तो गाइज अभी राइड शुरू होने वाली है, एक हमने आवरली बेसिस पे लाइक मतलब बुक करी है शिकारा, तो मे बी इन फ्यूचर हम पूरा डल लेक को विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, सर्वर एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है, लाइक आई वुड से कि मतलब ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है, काफी प्लेजेंट वेदर है। सर्वर एक ही जगह बैठ भाई, एक ही जगह बैठ सर्वर। अरे यार बैठ, नहीं नहीं भाई बैठो ना यार, डर लगता है यार। तो सर्वर को हम बोल रहे हैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं ना जाए, बिकॉज हमें थोड़ा बहुत डर लगता है। तो आप देख सकते हैं, तो शबीर जी से हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, हाउस बोट थोड़ी टेढ़ी हो रही है। हाँ हम आगे आ जाए। हाँ आ जाओ। ठीक, शबीर जी से हम थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहेंगे। तो आपको कितना टाइम हो गया है लाइक यहाँ पे डल लेक में लाइक शिकारा राइड कराते हुए? बीस साल। ओके। आप रहते कहाँ पे, मतलब डल में ही, मतलब हाउस बोट में ही आप रहते हैं? हमारा मकान है। अच्छा मकान है, ओके मतलब इसी नियर बाय में, राइट। ओके। और थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दे दीजिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए कौन सी प्लेसेस है, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर टूरिस्ट को आना हो, विजिट करना हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली डल लेक में वो किन किन जगहों को विजिट कर सकते हैं? वो यहाँ पे जो मतलब घूम सकते हैं, जो यहाँ पे जो लेक के राइड करते हैं। हाँ लेक राइड करते हैं, और यहाँ पे जो निषाद शालीमोर। हाँ निषाद शालीमोर। नहीं आप मेरे को बताइए डल लेक में पर्टिकुलरली कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो बंदा एक्सप्लोर करेगा? फॉर इंस्टेंस चार चिनार है। हाँ तो वो बताइए मेरे को, चार चिनार है मिसाल के तौर पे, और निगीन, आपने क्या कहा था, निगीन लेक है, और नेहरू पार्क है, और कौन सी जगह है? और यहाँ से यही जगह है ये जो। तो मैं शबीर भाई से ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे और कौन सी जगह है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये मेरे को फिर से वही बता रहे हैं कि नेहरू पार्क लोटस गार्डन, तो ये जगह ओके नाम ही भूल गए, ठीक है। और मेरे को बोल रहे हैं ये डल लेक है, अरे भाई पता है मेरे को ये डल लेक है, ये बोलने वाली चीज है। शबीर भाई से हमने ये चीज कहा है कि अगर हो पाए तो 5-10 मिनट अगर आपका थोड़ा बहुत किसी के साथ कांटेक्ट हो जो हाउस बोट्स है, तो अगर किसी हाउस बोट के साथ कांटेक्ट हो, थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स हम लेना चाहेंगे, आपको दिखाएंगे कि हाउस बोट अंदर से होता कैसे। ऑल्सो लाइक ऑलरेडी देयर वुड बी आई वुड से वीडियोज ऑन यूट्यूब लाइक पर्टिकुलरली हाउस बोट के रिलेटेड, बट स्टिल अगर कुछ सिनेमैटिक्स कुछ अगर कैप्चर होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइज लास्ट में शबीर भाई ने हाउस बोट की बात ही निगल ली, 2 घंटे खत्म, अपना रास्ता नाप लो, ठीक है बेटा।
तो बस पैसों पे बात आ जाती है लास्ट में. तो लास्ट में हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली डेफिनेटली सून इन दी कमिंग डेज आई एम गोना एक्सप्लोर 4 स्टार और 5 स्टार हाउस बोट, जिसमें आपको पूरा व्यू देंगे हम कि हाउस बोट कैसी होती है. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड. तो गाइज आपको वो वहां पे दिख रहा होगा जो वहां पे आई वुड से इन दी इन दी इन दी इन दी इन दी मिडल ऑफ डल लेक में जो आपको ये हाउस बोट दिख रही है, तो ये स्पॉट है आई वुड से मोटर बाइक्स का, राइट? मोटर बाइक्स है ना ये? हाँ. तो यहाँ पे हाँ स्केटिंग के लिए आप लाइक मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं और जो भी इनके लाइक पर्सन होंगे वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे कि. तो अब आप बताइए. जी बताएं भैया, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स पॉइंट. यहाँ पर ये 4 बोट होते हैं डल झील में, बाथिंग बोट विद स्पोर्ट्स. ओके. तो यहाँ पे फोटोग्राफी भी होती है, राइट? यहाँ पर फोटोग्राफी भी होती है, एक्चुअली यहाँ राइडर्स होते हैं, ये देखिए. ओके. यहाँ पे ये मल्टीपल स्पॉट्स है लाइक फॉर आई वुड से जो राइड की जाती है, और मतलब क्या सीन होता है? सीन ये है, ये देखिए, ये स्केट. लो जी, कुर्सी काबू में ही नहीं आ रही है. मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बैठूँ, ये बार बार हिल रही है. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके. जो आप 600 बता रहे हैं उसमें कितने ड्यूरेशन का राइड किया? वो भी अच्छा राइड है, वो भी वो कितने? है कम से कम कितने देर का? तो उसमें टाइम नहीं है, राउंड होता है. अच्छा, टाइम नहीं होता है, राउंड होता है, मतलब पूरा सारे को राउंड कराया जाता है. अच्छा राइड मिलता है इधर से पूरा. अच्छा सारे को राइड. और ये है सोफा राइड. इसमें सोफा राइड आप थोड़ा क्लियर क्लोज आके दिखाइए, थोड़ा बहुत है, क्लोज आ जाइए. इसको बोलते हैं जी सोफा राइड. इसमें भी प्राइस सेम होता है? इसमें भी आपका अलग अलग रेट है. इसमें मानो 1200 है दो बंदूक का, 1200 रुपए बड़ा राइड, फुल बड़ा राइड. ओके. और क्या है? और क्या है? और ये है जैक्स की. तो ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट का नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? ये डल लेक के सेंटर में, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये 4 बोट्स होते हैं. हाँ हाँ. होनोलुलु, बुलबुल. ओके बुलबुल. रोल्स रॉयस. ओके रोल्स रॉयस. और पासबार. पास. तो इस वाले स्पॉट का क्या नाम है? ये जिस पर आप बैठे हो इसका नाम है बुलबुल. बुलबुल, राइट? हाँ. और ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर राइड्स होते हैं. अच्छा, पर्टिकुलरली राइड्स होते हैं. हाँ, जेट स्की, वाटर सर्फिंग. और ये फंक्शन में भी होता है, पार्टी में भी लग जाता है. ओके. शादी वादी सब. तो ये जो स्पॉट है इसको कितना टाइम हो गया लाइक यहाँ पे सिंस फ्रॉम? कम से कम इसने 1 सेंचुरी मारी है. 1 सेंचुरी मींस 10 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं लगभग. नहीं, 100 इयर्स. अच्छा, डिकेड हो गया 10 साल. सॉरी मैंने थोड़ा हो गया. तो गाइज 100 इयर्स इस स्पॉट को ऑलरेडी हो चुके हैं. आप ये चीज बताइए, अगर आप 100 इयर्स बता रहे हैं, राइट, तो क्या ये 100 सालों से ये राइड्स होती थी या ये नहीं थी? लाइक स्टार्टिंग में क्या चीज था, स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू हुआ? स्टार्ट हुआ था तो हमारे भाई जान जो है वो भूल ही गए कि शुरू कहाँ से हुआ था, कौन सी राइड से शुरू हुआ था. तो एनीवे उन्होंने रिकॉल करा और उन्होंने हमें बताया कि काम शुरू हुआ कहाँ से था. तो चले कंटिन्यू करते हैं. स्पीड बोट से शुरू होती थी उस वक्त, फॉरेनर आते थे ना. ओके. फॉरेनर्स ये करते थे, राइट? ब्रिटिश की हुकूमत. अच्छा. तो उस वक्त यहाँ फॉरेनर आते थे. ओके. तो जैसे कि मेरी डैडी है. हाँ. उसके डैडी है. ओके. उसके डैडी है. ओके. मैं भी हूँ. ओके. तो हिस्ट्री जो है एज पर हिस्ट्री वाटर बोट से शुरू हुआ था. वाटर स्की. वाटर स्की, मोटर बोट एंड वाटर स्की होता था डल लेक में पहले. अच्छा. उसके बाद ये आ गया वाटर सर्फिंग. ओके. वाटर सर्फिंग इसको कितना टाइम हो गया? वाटर सर्फिंग इसको भी कम से कम लगभग उस टचिंग में, टचिंग में 10 साल हुए, 10-15 साल. हाँ. वो ये है जेट स्की. ओके. सोफा राइड. ओके. ये नहीं है, डिफरेंट है. अगर फॉर इंस्टेंस हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे आते हैं तो उनको कुछ डिस्काउंट होगा? लाइक फॉर इंस्टेंस ऑलरेडी लाइक यहाँ पे मल्टीपल स्पॉट्स है, राइट? तो अगर हमारा नाम अगर आपको कोई कहता है इन फ्यूचर तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? आपके लिए हम उनको डिस्काउंट करेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन इनको देना चाहेंगे. एक्चुअली आई डिडंट गिव हिम माय इंट्रोडक्शन. तो मैं जो हूँ, मैं डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ. लाइफस्टाइल ब्लॉगर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको. लाइफस्टाइल ब्लॉगर ये चीज होता है, वो लिमिटेड नहीं होता है पर्टिकुलर डोमेन को. लाइक फॉर इंस्टेंस सुबह से शाम तक मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा होता है? हाँ, नाम जो है हमारा नाम अली गिलटसाज है. अली गिलटसाज हमारे चैनल का नाम है. तो फिर अगर इन फ्यूचर कोई भी विजिट करता है तो जरूर से उन्हें आप डिस्काउंट दे दीजिएगा, ठीक है, हमारे एंड से. और हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल. ठीक है, आप एक बार ओपन करें. तो फेरोज अहमद शेख जो है अभी वो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और उनको थोड़ा बहुत हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं अपने चैनल से.
जैसे कि जेट स्की, वाटर सर्फिंग, सोफा राइड, बोट्स। जी जी, आप कभी भी अपने जो आपके प्यारे हैं, चाहने वाले हैं, उनको यहाँ बुलाइए, बिल्कुल स्पेशली डिस्काउंट। डेफिनेटली, आप अपना नंबर बताएंगे तो। मेरा नाम फिरोज अहमद शेख है और मेरा नंबर है 9149601020। ओके ओके, थैंक यू सो मच फिरोज भाई। अगर आप फ्यूचर में विजिट करते हैं, इट्स नॉट पर्टिकुलरली टूरिस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के विजिटर्स भी है, जो यहाँ पे रहते हैं, वो भी अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार ही आ जाए। काफी हम्बल काइंडफुल पर्सन है। आपका गुड नेम फिर से बताइए। फिरोज अहमद। हाँ, तो फिरोज भाई जो है काफी हम्बल, आई वुड से काइंडफुल, हम्बल नेचर है इनका, तो जरूर से यहाँ पे आ जाए, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दे दिया, प्रीशियस टाइम, तो शुक्रिया, थैंक यू सर।